इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सूरत में अब हलचल तेज हो चुकी है। जी हां, एकनाथ शिंदे सहित 30 विधायकों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। आधी रात को भी महाराष्ट्र में सियासी भूचाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब सूरत से 30 विधायकों सहित एकनाथ शिंदे को एयरलिफ्ट किया जाएगा। शिंदे ने सूरत में देर रात तक रुकने पर खतरे की आशंका जताई है। सूरत से गुवाहाटी तक विधायकों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि सूरत के होटल्स में से लगातार विधायकों की, बागी विधायकों की तस्वीरें और वीडियोस लीक हो रहे थे। होटल्स में साफ देखा जा रहा था कि 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी अगर देखा जाए खबरों के मुताबिक, तो सूरत में तैनात है विधायकों की सुरक्षा के लिए, एकनाथ शिंदे की सुरक्षा के लिए। फिलहाल अगर देखा जाए तो शिंदे ने वीडियो लीक होने पर आशंका जताई है कि खतरा हो सकता है, तो सूरत से गुवाहाटी तक विधायकों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। सूरत एयरपोर्ट पर इसके लिए 3 विमान तैयार खड़े हैं। जी हां, 3 विमानों को तैयार रखा गया है, जिसमें एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के तमाम विधायकों को एयरलिफ्ट कर गुवाहाटी ले जाया जाएगा। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज नज़र आ रही है। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कैबिनेट की बैठक बुलाई है, तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। एकनाथ शिंदे ने खतरा जताया है, इसीलिए उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। और अगर बात की जाए तो भाजपा के तमाम नेता भी इस वक्त सूरत पहुंचे हुए हैं। मोहित कंबोज भी होटल के लीक वीडियो में नजर आए थे, और तमाम भाजपा के नेताओं ने एकनाथ शिंदे से बातचीत की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी फोन पर बातचीत की है। एकनाथ शिंदे हिंदुत्व पर अड़े हुए हैं, वो भाजपा और शिवसेना का गठबंधन चाहते हैं, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ वो नहीं रहना चाहते। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्या निर्णय लेते हैं, फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन सूरत में हलचल तेज हो चुकी है, एकनाथ शिंदे सहित 30 विधायकों को एयरलिफ्ट कर गुवाहाटी ले जाया जाएगा। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।